मंत्री का कैरेक्टर, आई मीन मतलब उसके नए कानून बनाऊंगी। तो फिर तो मैं सोचती हूँ कि देश के प्रत्येक नागरिकों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्रधानमंत्री बनने पर मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि प्रत्येक नागरिकों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं मिले, और इनके लिए एनजीओ से संपर्क करूंगी और उनको सरकार द्वारा सुविधाएं देने का प्रयास करूंगी, जिससे ये एनजीओ अच्छी कार्यकुशलता से काम करे। तो मैं और भी अपना सुझाव बताना चाहूंगी कि मैंने देखा है, न्यूज़ में भी देखा है मैंने, कि हर घर में नल से पानी आना चाहिए, क्योंकि जो औरतें होती है, जैसे कि राजस्थान में हो गया, तो वहाँ बहुत ज्यादा दूर कोसों दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। तो मेरा निवेदन है कि हर घर में नल से पानी आए। तो मेरी आपसे विनम्रता है कि ये पूरी हो जाए। और दूसरी बात यह है कि हर गांव तक सड़क जानी चाहिए, क्योंकि एक गांव है, उस वहां तक सड़क नहीं जाती, वहां पे एक गाड़ी लगी रहती है, वहां 2 बजे जाएगी, 3 बजे जाएगी, कुछ अता पता नहीं होता। तो कोई लोग तो ऐसे ही छूट जाते हैं, सोचो आप, अब अगर वो कहीं गुम हो गए तो बेचारे घर वाले। तो फिर मैं सोचती हूँ कि बस भी लगानी चाहिए, भले ही 2 टाइम लगाओ, सुबह शाम, वैसे दिन को भी लगनी चाहिए। और फिर मुझे लगता है कि जो ये भेदभाव की चल रही है ना, ये हिमाचल में कुछ ज्यादा है, कि ये ऐसा है, ये वैसा, ये लड़की है, ये लड़का, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे ऑलमोस्ट ये खत्म हो ही गया है, फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं जैसे कि राजस्थान, गुजरात, वहां पे तो ऐसे सोचते हैं कि ये लड़कियां पैदा ही क्यों होती है, ऐसा ही क्यों होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। धन्यवाद।